गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशन में आपका सभी का स्वागत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं आज की मुख्य खबरें कौन कौन सी हैं और उनमें क्या क्या हमारे काम की न्यूज़ हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखेंगे ऊपर ऊपर हेडर में ही दे रखे हैं, केरला शुड एनहांस विजिल से स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। तो यहाँ पे केरला में जो है यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली 11-12% का यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिविटी का रेट है। और दूसरा, यहाँ पे गुज्जर साइन कोटा पैक्ट विद राजस्थान गवर्नमेंट आफ्टर 6 आर टॉक्स। तो जो 1 नवंबर से यहाँ पे गुर्जर्स का आंदोलन चल रहा है और ये महादलित कोटा को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान सरकार के साथ इन्होंने कुछ अनुबंध किया है तो उसको हम समझेंगे। यहाँ पे स्पुतनिक वी वैक्सीन इज 92% इफेक्टिव अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो यहाँ पे रशिया ने बोला है कि स्पुतनिक वैक्सीन जो है ये बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। जो बाइडेन होल्ड्स टॉक्स विद लीडर्स ऑफ 4 यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने वार्ता की है। दोस्तों, इसके बाद में हम यहाँ सीधा चलते हैं, इन सबको हम बाद में देखेंगे जब ये पेज 8, पेज 10, पेज 13 पे आएंगे। इसके बाद सीधा हम यहाँ पे बात करेंगे आज जो सबसे महत्वपूर्ण है आज हमारे काम का, गवर्नमेंट टू गवर्न OTT प्लेटफॉर्म्स। अब दोस्तों, यहाँ पे ये OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं इस बात को समझेंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स, तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि यहाँ पे कुछ जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जो आजकल ऑनलाइन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजोन प्राइम है, बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पे डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है और ये इनके खुद के चैनल्स हैं, इनके खुद के यहाँ पे सर्वर्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। और यहाँ पे ऑन डिमांड सारा कंटेंट जनरेट होता है। सुनील कुमावत कह रहे हैं कि सर PDF नहीं है क्या? तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये कॉपीराइट्स के कुछ इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से हम यहाँ PDF नहीं डालते हैं। बाकी हम ये कर सकते हैं, आपको ये जो मुख्य आर्टिकल्स हैं इनके यहाँ पे हम आपको इमेज जो हैं वो डाल देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप कहेंगे तो हम कुछ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पेजेस को भी डाल देंगे, आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, उनको डाल देंगे। हम पूरा पेपर नहीं डाल सकते हैं, कॉपीराइट इश्यूज हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये संगम सिंह जी हमें एडवांस में थैंक्स कर रहे हैं, 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 1 या 2 सब्सक्राइबर रह गए हैं 1000 होने में, तो इनके लिए एडवांस में थैंक्स। और जो भी लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करके आज हमारा यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा है उसे 1K तक पहुँचा दीजिए। और ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने आर्टिकल पे आते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स। तो OTT प्लेटफॉर्म्स, तो बेसिकली दोस्तों, अभी तक क्या था यहाँ पे, भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं था, कोई भी यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी या फिर गवर्नमेंट की कोई बॉडी जो इन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे कवर करे या फिर इनको रेगुलेट करे। एक्चुअल में क्या है कि अभी तक देखिए TV पे आती थी, डिश पे आती थी चीज़ें, और YouTube पे आती थी, Facebook पे आती थी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आती थी, लेकिन ये OTT प्लेटफॉर्म्स एक नई कैटेगरी डेवलप हुई। और नई कैटेगरी डेवलप होने की वजह से क्या है, यहाँ पे सरकार के पास इस तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है। तो फिलहाल सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे कल ही मोदी गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत ला दिया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन, तो इसके मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो ये आप नाम याद कर लीजिएगा और ये किसके तहत आते हैं। करेंटली देर इज नो लॉ और ऑटोनोमस बॉडी गवर्निंग डिजिटल कंटेंट इन अ गैजेट नोटिफिकेशन इश्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो नोटिफिकेशन है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पे इश्यू किया है।
इन अक्टूबर। अब इसमें हमारे पीछे क्या अपडेट्स रहे हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा में आ सकते हैं। इन अक्टूबर लास्ट ईयर द गवर्नमेंट हैड इंडिकेटेड दैट इट वुड इश्यू अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ डॉन्स फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार। अब देखिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया था, अब पिछले साल यहाँ पे कुछ सेल्फ रेगुलेशन की इनसे बात की थी और इनसे बोला था कि आप जो है ना यहाँ पे एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, जो भी जितने भी न्यूज़ पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, तो इन सब के लिए NBSA एक क्या है, ये इन्हीं की एक इंटरनल एसोसिएशन है और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई बॉडी नहीं है। तो इस पर भी हम एक आर्टिकल आज बना के डाल देंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रॉबली दोस्तों वीडियो नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे कम से कम टेलीग्राम पे इसका विस्तृत ब्यौरा मिल जाएगा या लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके सरकार ने बोला कि यहाँ पे आप इस OTT प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल कंटेंट जो है इसके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आप लेके आइए और आप उसको खुद से ही रेगुलेट कीजिए। और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि भाई एक नेगेटिव लिस्ट भी लेके आएंगे कि आप इस प्रकार का कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। द कोड अडॉप्टेड बाई द OTT इन जनवरी लास्ट, तो ये OTT प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने एक कोड जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी कोड जो है अडॉप्ट किया था और उसमें 5 तरीके का कंटेंट जो है उसको इन्होंने प्रोहिबिट किया था, इस तरीके का कंटेंट हम नहीं डालेंगे, जैसे कि कंटेंट विच डेलिबरेटली एंड मेलिसियसली डिसरेस्पेक्ट द नेशनल एम्ब्लेम फ्लैग। तो कहने का मतलब जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो चिन्ह हैं उन सबको डिफेस करने वाले या उनकी वैल्यू कम करने वाले ऐसे जितने भी यहाँ पे क्या हैं राष्ट्रीय सिंबल्स हैं तो उनको कोई डिफेम करने वाला कार्य हम नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई किसी प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी को नहीं बढ़ावा देंगे, बाकी हम जो है यहाँ पे पेज रेट पे पहुँचेंगे जब पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे ये पीपल्स ट्रस्ट NDA पॉलिसीज, और देखिए बिहार का इलेक्शन कंक्लूड हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने BJP हेडक्वार्टर दिल्ली में यहाँ पे इनको संबोधित किया है देश को, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भारत के लोग हैं वो NDA की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भरोसा करते हैं और इसी का रिजल्ट है कि हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग राज्यों में बेहतर रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं और हम जीत रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए राजधानी दिल्ली में जो डेली का आंकड़ा है जो कोरोना पेशेंट्स का जो पॉजिटिविटी का, तो यहाँ पे 8,000 को क्रॉस कर गया है। और अगला जो महत्वपूर्ण है SC ग्रांट्स इंटरिम बेल टू अर्णब, तो यहाँ पे ये केवल अर्णब गोस्वामी के लिए ही नहीं है, ये आप सब के लिए है, हम लोगों के लिए है, सबके लिए है। ये डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का। बेसिकली अभी तक क्या चल रहा था, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो या कोई अन्य राज्य हो, चाहे UP है चाहे दिल्ली है, सब जगह क्या चल रहा था कि अगर जो भी रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ आपने कहीं पे भी या उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ भी आपने या उनकी आइडियोलॉजी से भिन्न आपने कुछ कंटेंट अगर डाल दिया है सोशल मीडिया पर, तो वो तुरंत क्या करते हैं वहाँ पे आपको आपके खिलाफ एक FIR हो जाती है और आपको अरेस्ट करके डिटेन कर लेते हैं और आपको प्रताड़ित करते हैं, कई बार तो हमले भी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, अब देखिए अर्णब गोस्वामी को भी एक गलत मतलब केस तो जेन्युइन था लेकिन गलत तरीके से महाराष्ट्र सरकार वहाँ पे इनको क्या कर रही थी, कैद कर लिया था, इनको पकड़ लिया था और जुडिशियल कस्टडी में थे और इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, ठीक है। तो मामला जब देखिए हाई कोर्ट से भी इनकी इंटरिम बेल को रिजेक्ट करवा दिया गया, फिलहाल जो है इनको जो बेल इन्होंने जो है ना अपनी रिट पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, इनके जो अधिकार हैं उनको प्रयोग करते हुए और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको ये इंटरिम बेल जो है यहाँ पे दे दी है और कुछ यहाँ पे जो सरकारें हैं उनको यहाँ पे गाइडलाइंस दी हैं और बोला है कि भाई आप जो है यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को आप यहाँ पे होस्टेज नहीं कर सकते हैं। सेइंग पर्सनल लिबर्टी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ कैजुअल्टी इन द कंट्री, और यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे जो रूलिंग सरकारें हैं वो होस्टेज बना रही हैं और ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारे यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और ये पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि कौन कौन सी सरकारें हैं, कुछ को यहाँ पे मेंशन किया है।
और इस तरीके के इन्होंने बोला है कि देखिए सोशल मीडिया पे लोग क्या बोलते हैं, न्यूज़ चैनल्स क्या बोलते हैं, इसको आपको इग्नोर करना चाहिए, और अगर हमारी बात करें तो हम खुद नहीं देखते इन चैनल्स को, और आपको ये लगता है कि इनके यहाँ भोंकने से बोलने से आपके जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स प्रभावित हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनको देखना है वो देखते हैं, जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखते हैं, और सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। तो आगे जब यहाँ पेज 8 पे आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। फार्मर्स फ्रॉम ऑन डेली मार्च, तो दोस्तों ये कुछ खास नहीं है, बस आपके लिए यहाँ पे बस इतना सा है कि जो पंजाब में ये जो फार्मर्स के वेलफेयर्स के लिए जो यहाँ पे बिल आए थे, 3 बिल आए थे, तो उनके अपोजिशन में जो पंजाब में कार्यक्रम चल रहा है, विरोध और धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, रेल रोको अभियान चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ सरकार, केंद्र सरकार भी रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू थोड़ा टाइट हो गई है, बोले रेल नहीं जाएंगी। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, AIKSCC, तो ये जो कि 300 से ज़्यादा फार्मर्स ग्रुप्स का एक क्या है प्लेटफॉर्म है, और तो इन्होंने बोला है कि एक आह्वान किया है दिल्ली चलो प्रोटेस्ट, और जो कि 26 और 27 नवंबर को इन्होंने यहाँ पे आयोजन का इन्होंने यहाँ प्रपोजल रखा है, और सरकार ने मना कर दिया है कि भाई जो राजधानी है यहाँ पे कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आपको यहाँ पे जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन का यहाँ पे अनुमति नहीं दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा आपके काम का नहीं है। डिटरेंट एक्शन नीड ऑफ द आर दिल्ली हाई कोर्ट गवर्नमेंट क्वेश्चंस ऑन नॉर्म्स रिलैक्सेशंस, तो ये आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे देखिए नॉर्म्स थोड़े से रिलैक्स हो रखे हैं, और दिल्ली में कोरोना जो है बड़ी तेज़ी से अब फैल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्म्स इन्होंने रिलैक्स किए हुए हैं उसको लेकर यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखिए अगला है, हरियाणा CM अनवील्स प्रोजेक्ट एयर केयर फॉर गुड़गांव, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ कुछ चीज़ें समझेंगे हम। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ऑन वेडनेसडे अनवील्ड अ प्रोजेक्ट एयर केयर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोट कर लेना है ये प्रोजेक्ट एयर केयर क्या है। ये प्रोजेक्ट एयर केयर के तहत ही बेसिकली यहाँ पे हरियाणा सरकार ने फंडिंग करके, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कुछ सरकार लगाएगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, और कुछ दान करने वाले लोग लगाएंगे, और इसके तहत एयर प्यूरीफायर्स जो हैं, क्या चीज़, एयर प्यूरीफायर प्यूरीफाइंग यूनिट जो हैं वो पूरे गुरुग्राम में क्या है यहाँ लगाई जाएंगी। और यहाँ पे देखिए विच 65 विंड ऑगमेंटेड प्यूरीफाइंग यूनिट्स, तो यहाँ पे 65 ऐसी यूनिट्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, और जिससे कि यहाँ की एयर क्वालिटी थोड़ी सी ठीक हो सके, ठीक है। तो डू नॉट एनकरेज यूज ऑफ फायर क्रैकर्स, राइट टेल्स BJP, और यहाँ पे ये सब उतना काम का नहीं है। डेलाइट्स गेट रेस्पाइट फ्रॉम द सीवियर पॉल्यूशन बट इट मे नॉट लास्ट लॉन्ग, और देखिए यहाँ पे ये बार बार आता रहेगा, आप यहाँ देखते रहिएगा कि यहाँ देखिए गुड़गांव में थोड़ा सा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल में है, मॉडरेट स्तर पर है, और यहाँ पे पुअर क्वालिटी में है, मॉडरेट नहीं पुअर क्वालिटी, ठीक है, और ये आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम यहाँ बात करेंगे यूपी डिस्ट्रिक्ट्स नाउ अंडर FRRO एम्बिट, दोस्तों ये FRRO क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो पार्ट वन पढ़ता है, ठीक है, तो सॉरी पार्ट टू पढ़ता है, पार्ट टू है आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है पार्ट टू, सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो वहाँ आपके कुछ आर्टिकल्स आते हैं, और वो जो आर्टिकल्स हैं तो उसमें आपके यहाँ पे ये FRRO के विषय में मेंशनड है, और यहाँ पे OCI, PIO ये सब के विषय में यहाँ मेंशनड है, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। यूपी डिस्ट्रिक्ट्स नाउ अंडर FRRO एम्बिट, तो FRRO की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। और ये बेसिकली क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, और ये क्या होते हैं, ये लोकलाइज्ड जनरली क्या होते हैं, जो भी विदेशों से यहाँ घूमने के लिए या किसी भी कार्य से जो भी नागरिक आते हैं, तो उनके कुछ उनके लिए कुछ लोगों को क्या है कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, कुछ परमिट्स लेने पड़ते हैं, उनको कुछ रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है, कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक यहाँ पे ऑफिस बनाए गए हैं FRRO,
और कई बार तो ये जो FRRO होते हैं, ये लोकल यहाँ पे जो इनके लिए डेडिकेटेड क्या होते हैं, या थाने होते हैं, तो थानों में ये इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे FRRO क्या होते हैं। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई है, ये किस लिए आई है? पहली चीज़ आप ये समझिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आएगा मैटर। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंडर में, और आपको पता होना चाहिए गृह मंत्रालय के अंडर में ही ये पुलिस व्यवस्था आती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे समस्या क्या है जो यहाँ पे इन्होंने ये इश्यू आया है फिलहाल? तो बेसिकली क्या है कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी ये जिले हैं, तो इनका यहाँ पे खासकर हम बात करें, यहाँ पे न्यूज़ में जो आए हैं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जिले, तो ये जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, इनका FRRO कहाँ लगता था? ये लखनऊ में लगता था। लखनऊ थोड़ा सा दूर है। और अब देखिए, विदेश से कोई नागरिक आया है और छोटी मोटी इन 2 दिन 4 दिन के लिए, और वहाँ पर रिपोर्ट भी करना है, अब उसके लिए वो लखनऊ जाएगा पर्टिकुलर इसी काम के लिए रिपोर्ट करने बार बार, तो ये थोड़ा सा क्या है, सहज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बोला कि यार ये एनसीआर के जिले हैं, और एनसीआर के जिलों में जो भी फॉरेन व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये कम से कम क्या है, दिल्ली में तो जाके कर ही सकते हैं, तो इनको जो है दिल्ली के FRRO से अटैच कर दिया है। बोले अब आपको लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप FRRO दिल्ली में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई है OCI कार्ड होल्डर्स की, तो यहाँ पे देखेंगे FRRO फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू OCI। ठीक है, अब ये OCI क्या है? ओवरसी सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों पहले क्या था, यहाँ पे NRI हुआ करते थे, यहाँ हम लिख देते हैं। एक तो क्या है, यहाँ NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, ये कौन लोग होते हैं? ये सिटीजंस ऑफ इंडिया होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, बेसिकली ये भारत के नागरिक होते हैं, सिटीजंस ऑफ इंडिया, सिटीजंस ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन क्या है, ये विदेश में रहते हैं, विदेश। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें, जैसे माना ये इंडिया है, तो ये जो है ये बाहर रहते हैं, और ये क्या है, ये इंडियन सिटीजन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट, इसके अलावा एक जो होती है हमारी, एक कैटेगरी होती है ऐसे हमारे यहाँ, देखिए सिटीजनशिप का क्या कॉन्सेप्ट है भारत में, थोड़ा सा हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अब सिंगल सिटीजनशिप बेसिकली क्या है? सिंगल सिटीजनशिप ये कहती है कि भारत जो है एक देश है, भारत क्या है, एक देश है, और देश के अंदर जो नागरिक हैं उनको केवल एक ही सिटीजनशिप होगी, और यहाँ पे जो राज्य हैं उनकी अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं होगी, मतलब राज्य अलग से कोई अपनी राज्यवार कोई सिटीजनशिप नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये भी है कि आपके पास केवल एक ही देश की नागरिकता होनी चाहिए, अगर आपके पास भारत की है तो आप दूसरी किसी देश की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। प्रावधान क्या है यहाँ सिंगल सिटीजनशिप के लिए, कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो जाने में अनजाने में या कोई देश आपको नागरिकता दे देता है, ऐसे में आपके उसी क्षण से आपकी भारत की सिटीजनशिप समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब क्या होता है, काम के सिलसिले में जैसे माना यहाँ पे कोई अमेरिका चला गया, ये USA में चला गया, अब यहाँ पे भारत का नागरिक क्या है, यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 साल, देखिए सिटीजनशिप भी 2 तरीके की होती है, एक होती है बाई बर्थ, एक क्या होती है यहाँ पे लिख देता हूँ, सिटीजनशिप 2 तरीके की होती है, एक होती है बाई बर्थ, ठीक है, और एक होती है नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाई बर्थ मतलब आप उस देश में पैदा हुए हो, जैसे हम बात करें कमला हैरिस जो है अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, तो ये जो है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था अमेरिका में, तो ये बाई बर्थ क्या है, अमेरिका की सिटीजन है। लेकिन इनकी माँ की बात करें तो इनकी माँ जो है इंडियन सिटीजन थी, लेकिन अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गई, वहाँ रहने लग गई, परमानेंटली वहाँ रहने लग गई, वहाँ ग्रीन कार्ड मिला, और बाद में जो है वहाँ पे ये परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, परमानेंट सिटीजन हो गई, तो ये क्या है, वो नेचुरलाइज सिटीजन। ठीक है, तो उनकी माँ वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ऐसे ही कुछ विशेष अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करें कि ये OCI और इनकी, तो कुछ जो ये विदेशों में रहने लग गए, तो अब ये देखिए वहाँ पे किसी कार से रिलेटेड जाते हैं या फैमिली से मिलने जाते हैं। ठीक है, तो अब ये वहाँ पे अच्छे खासे क्या है, पैसे वाले हो जाते हैं ये सब लोग,
और पैसे वाले हो जाते हैं तो अब देखिए, वाजपेयी गवर्नमेंट जी ने, वाजपेयी सरकार में, वाजपेयी जी ने क्या प्लान बनाया, बोले कि हमारे विदेशों में जो हमारे नागरिक रहते हैं, और जो अब देखिए उन्होंने बाहर की सिटीजनशिप ले ली है, अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, या कहीं और किसी भी देश की, ठीक है, और वहाँ पे महत्वपूर्ण पदों पे हैं, बहुत बड़े ये बिजनेसमैन हो गए हैं, अच्छे खासे उनके पास पैसे हैं, ठीक है, तो उनको अगर भारत बुलाया जाए, अब भारत क्यों आएंगे, बोले आपने तो उनकी सिटीजनशिप भी छीन ली, अब सिटीजनशिप छीन ली है तो भारत क्यों आएंगे भाई, ठीक है, अब उनको तो इन्होंने क्या प्लान बनाया, बोले भाई आप ना यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस का कॉन्सेप्ट लेके आए, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस का जो कॉन्सेप्ट है, बोले कि भाई जो विदेशों में जो प्रवास कर रहे हैं भारतीय मूल के लोग, तो वो लोग हम आपको क्या है यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं एज अ गेस्ट, और आपको सम्मानित करेंगे, और उनमें जो है यहाँ 3-4 दिन का कार्यक्रम करने लगे, और इनको यहाँ बुला के पहले तो वही कहते हैं ना, बकरे को जब काटा जाता है तो हलाल करने से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है इनको यहाँ बुला के ना पहले तो इनको मान सम्मान देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और इनको बढ़िया फैसिलिटी, बोले भाई ऐसे घूमो, ये हमारी पॉलिसीज हैं, फिर गवर्नमेंट अपनी काम की बात पे आ जाएगी, फिर सरकार क्या करती है, इनसे कहती है भैया ऐसा है, कटोरा आगे कर देगी, बोले ऐसा है आप वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं, अब यहाँ आए हो तो भारत के लिए भी कुछ कर जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो, ये करो वो करो, और इनके लिए अलग से कुछ यहाँ स्कीम्स दे देती है सरकार, और जिससे कि ये यहाँ पे क्या कर सकें, ये यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ पे इनको बोलते हैं भाई इस पे आपको जो बाकी अन्य FDI या कुछ आता है उससे बेटर आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कैटेगरी क्रिएट की गई, यहाँ पे OCI, ओवरसी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लुभाने के लिए इनमें से कुछ को यहाँ पे अधिकार दिए गए कि आप जो है हम आपको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का यहाँ पे अधिकार दे रहे हैं, लेकिन ये क्या थे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये फुल सिटीजन्स नहीं है, ये क्या है, इनको एक यहाँ पे स्टेटस दे दिया, लेकिन इनको दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना, ठीक है, OCI। दूसरा है एक यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये जो प्रवासी भारतीय हैं जो दूसरे देश की यहाँ पे नागरिकता ले रखी है, तो ये कौन से हो गए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अब ये जुड़ेंगे कैसे, तो इनको ये स्टेटस दे दिए, अब इन स्टेटस के तहत क्या बोल दिया कि आप यहाँ भारत में अभी तक आपको जो वीजा लेने की परमिशन लेनी पड़ती थी तो वो अब आपको नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, और धीरे धीरे सिंथेसाइज किया, और कालांतर में क्या किया, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे NRI हो गया, OCI हो गया, NRI, OCI, PIO, बहुत सारे यहाँ पे डिस्टिंक्शन हो गए, और इसके चलते अब देखिए NRI तो क्या है, सिटीजन्स हैं, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये दोनों जो हैं नॉट सिटीजन्स, तो ये सिटीजन्स नहीं है, तो याद रखिएगा इसको, तो ऐसे में क्या किया, इन दोनों कैटेगरीज को मिला के क्लब कर दिया, और एक यहाँ पे क्या लेके आई गवर्नमेंट, OCI कार्ड लेके आई, क्या, OCI कार्ड, और इनको क्या बोल दिया, अब OCI कार्ड होल्डर्स बोल दिया, ठीक है, तो अब ये बोल दिया कि भाई जिनके पास ये OCI कार्ड होल्डर, एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ आधार है या हमारे पास जो राशन कार्ड है, उस तरीके से इनको दे दिया OCI कार्ड होल्डर्स, और इनको घोषित कर दिया, अब OCI PIO कुछ नहीं रहा, अब हो गए, अभी फिलहाल जो स्टेटस है वो है OCI कार्ड होल्डर्स या फिर NRI, दो ही स्टेटस हैं, एक तो ये है और एक OCI कार्ड होल्डर्स, अब OCI कार्ड होल्डर्स को बोल दिया भाई आप जब चाहो आप भारत आ सकते हो, ये कार्ड दिखाना है, और कोई आपको रोक टोक नहीं है, कोई आने जाने की कोई परमिशन की रोक नहीं है, ठीक है, फ्रीली आइए, तो बस यहाँ पे आप इश्यू समझ गए होंगे, तो ये OCI, तो यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है क्योंकि रिपोर्टर्स को कई बार इतना पूरा ये इश्यू नहीं पता होता है, तो ये आप सही कर लीजिएगा, OCI जहाँ भी आप लिखेंगे आप OCI नहीं लिखेंगे, OCI कार्ड होल्डर्स लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भी इन्होंने सही लिखा है OCI कार्ड होल्डर्स, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल देखते हैं यहाँ पे काम का, ये सब हमारे कोई विशेष काम के नहीं है, और अब बात करें तो यहाँ पे एक ये छोटा सा आया है, विशेष ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकली आएगी,
ट्रेड ग्रुप्स आस्क्ड टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन राजस्थान। अब देखिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे आइटम जो हस्तशिल्प बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट मतलब हिंदी में हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प क्या होते हैं, जो कारीगरों द्वारा हाथ से कुछ आइटम बनाए जाते हैं, कोई खिलौना है, कोई भी बांस से कुछ बना दिया, केन से कुछ बना दिया, ठीक है, या फिर आपने दस्तकारी के माध्यम से, या फिर आपने कोई चित्रकला बनाई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाथ से जो भी क्राफ्ट बन रहा है, आर्टिकल्स बन रहे हैं, वो हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले तो हैंडीक्राफ्ट ही चलता था, ठीक है, और अंग्रेजों ने ये सब ख़त्म कर दिया था, तो यहाँ पे लगभग 4 लाख से ज़्यादा क्या है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स हैं राजस्थान में। तो यहाँ पे जो राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, तो उन्होंने बोला है, अब देखिए यहाँ पे दीपावली का फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो दीपावली का फेस्टिव सीजन है, तो यहाँ पे इन्होंने राज्य सरकार से, यहाँ पे सीएम साहब से भी बात की कि भाई आप जो है अशोक गहलोत जी से, कि यहाँ पे आप जो कंपनियाँ हैं, निजी क्षेत्र है, आप उनसे बोलिए कि भाई आप जो है जो भी दीपावली पे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो उसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को अगर आप एज अ गिफ्ट देंगे तो इनको प्रमोशन मिलेगा। तो वही है, द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान हैज सॉट द सपोर्ट ऑफ एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग बिजनेस एंड ट्रेड फॉर एंडोर्सिंग दीज गुड्स ड्यूरिंग द दीपावली फेस्टिविटीज। एंडोर्समेंट का मतलब है आप इन्हीं के जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, तो इनको आप प्रमोट कीजिए, और इससे क्या है जब ये बिकेंगे, इनकी डिमांड निकलेगी तो और बनेंगे, तो इनकी आजीविका यहाँ पे सुगम हो पाएगी, ठीक है। तो यही हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर स्पेशली बीइंग प्रमोटेड एज गिफ्ट आइटम्स फॉर दिवाली, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए डेली आता है, आप दोस्तों इसको देख लीजिएगा, और डेली आप देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे कि वर्तमान में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आ रही है, डेली चर्चा में आ रही है, मैंने बोला था आगे भी अगर ये अगले 3-4 महीने तक डेली आएगा ये सब, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसमें कौन कौन सी हमारी पॉल्यूटिंग गैसेज हैं, SO2 है, NO2 है, CO है, और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, तो ये सबको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेली हम इसको अब देखिए यहाँ पे अर्णव गोस्वामी मूव्स कोड फॉर एंटिसिपेटरी बेल, और इनको एंटिसिपेटरी बेल जो है दे दी गई है। ट्रंपिज्म स्टिल रिमेंस अनवैंक्विश्ड, और यहाँ पे अभी जो ट्रंप साहब हैं वो मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ इलेक्शन फोरकास्ट, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप देखिए इलेक्शंस का जो आजकल जो मीडिया है वो पेड मीडिया हो गया है, और वो उनका यहाँ पे ये देखिए जो मीडिया है ये चौथा स्तंभ अपने आप को बोलता है, लेकिन ये कोई भी स्तंभ नहीं है। इनका यहाँ पे आधार इतना गिर चुका है, इतना ये खराब स्तर हो चुका है इसका मीडिया का, कि आजकल पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो गया है, नेक्सस हो गया है, सरकारें क्या करती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज इनको पैसे देती हैं, पद का लालच देती हैं, और ये इसी लोलुपता के चलते ये क्या है, ये किसी विशेष पार्टी के खिलाफ लिखते हैं और किसी विशेष पार्टी के फेवर में लिखते हैं। और वही है यहाँ पे पब्लिक को, इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, एग्जिट पोल्स या ऐसे अपने जो कार्यक्रम्स लेके आते हैं, डिबेट्स लेके आते हैं, उनमें बंदों को भी ऐसों को बैठाएंगे, दिखेंगे तो ये ऐसे के 6 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पहले से ही ऐसे बंदों को पकड़ के लाते हैं जो इनकी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं। तो बस उसी के ऊपर यहाँ पे ये आर्टिकल है, समय मिलेगा तो हम डालेंगे, और यहाँ पे इस पे वीडियो, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। रिपब्लिक एंड इट्स डिसकंटेंट्स, तो ये सारा सब जो है हम यहाँ देखेंगे, और आगे SC ग्रांट्स इंटरिम बेल टू अर्णब गोस्वामी, ये आपके लिए काम का है, ये कुछ पॉलिटिकल या वैसा नहीं है। SC ग्रांट्स इंटरिम बेल टू अर्णब गोस्वामी, तो यहाँ पे हमने पहले पेज पे भी कुछ देखा था, उससे आगे देखते हैं। मिस्टर गोस्वामी वॉज रिलीज लेट इन द इवनिंग, और इनको छोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे इन्हें तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। पीपल आर नाउ पुट इन जेल फॉर अ ट्वीट, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आजकल तो यहाँ एक ट्वीट करने के लिए भी उनको जेल कर दी जाती है। वी आर ट्रेवलिंग थ्रू अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी,
और ये क्या है, ये लिबर्टी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, वहाँ जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें दी गई है, और जिसकी सेफ गार्ड हमें किसको करना है, उत्तरदायित्व तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों को, जुडिशियरी को दिया गया है। और यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो यहाँ पे कर ही रही हैं, सरकारें हैं, गलत कर रही हैं, इसको कर्टेल कर रही हैं, ऐसे में यहाँ पे हाई कोर्ट्स बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हाई कोर्ट्स में जो जज हैं तो वो लोकल लेवल पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है राज्य सरकारों का। और उसी के चलते देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट टू माई सेल्फ आई विल नॉट वॉच ए चैनल, मैं खुद उसका चैनल नहीं देखता हूँ, बट सिटीजन्स आर सेंट टू जेल, हाई कोर्ट्स डोंट ग्रांट बेल। एक तो सरकारें सिटीजन्स को छोटे छोटे मैटर्स पे जो कि नज़रअंदाज कर दिए जाने चाहिए, ऐसे मैटर्स पे उनको जेल कर दे रही हैं, और हाई कोर्ट्स उनको बेल नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये एक समस्या की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट्स को बोला है कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते यहाँ पे किसी को जेल की जा रही है ऐसे छोटे छोटे मैटर्स को बहाना बना के, तो उनको पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं और ये सब में, तो हाई कोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनको तुरंत प्रभाव से बेल दी जानी चाहिए, किसी को भी यहाँ प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। वी हैव टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, और हमें इस प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो फैसला आया था, इसमें दो जज थे, एक तो डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी। तो इन्होंने फिलहाल जो है अर्णब गोस्वामी को 50,000 के निजी मुचलके पर जो है इन्हें आज़ाद कर दिया है, और इन्हें देखिए एक फॉर्मेलिटी होती है कि हिदायतें दी जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हिदायतें दे दी हैं अपनी जो भी कि भाई आपको रिपोर्ट करना है, पब्लिक एजेंसीज अथॉरिटी जब बुलाएं आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपको गवाहों को प्रभावित नहीं करना, वही सब इनको एक फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी कर दी। और इसके बाद देखिए रीसेंट केस ऑफ वुमन हु वाज होल्ड अप बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर अ ट्वीट, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक ट्वीट के लिए एक महिला को, तो ये तो बहुत चलता है कोई कार्टून के लिए या कोई किसी के लिए। अब देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक तरफ तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के पीछे ये सब लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें चाहिए आज़ादी, और फिर वहाँ इंटरप्रेट करते हैं नहीं जी हम तो एक कविता को पढ़ रहे थे, क्या एक फला राइटर ने कविता लिखी थी कवि ने, हम तो उसको पढ़ रहे थे, ऐसे नहीं चलेगा भारत में, ठीक है। वी आर डीपली कंसर्न इफ दिस इज हाउ ह्यूमन लिबर्टी इज परसिक्यूटेड, किस प्रकार से आप इसको परसिक्यूट कर रहे हो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी देयर फॉर एवरी पर्सन। और यहाँ पे जब हाई कोर्ट्स यहाँ पे उनके हेल्प नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट तो खड़ी हुई है ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि उसको प्रत्येक नागरिक की जो नागरिक यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करनी है, ठीक है, और इंडिविजुअल स्तर पे करनी है। वहीं हाई कोर्ट्स की भी तो आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पे कुछ उत्तरदायित्व हैं तो उनको निभाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम पे दबाव कम हो। वी आर गेटिंग केसेस फॉर पर्सनल लिबर्टी इन मल्टीट्यूड्स, हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई, ये हाई कोर्ट्स के स्तर पे ही हो जाने चाहिए। आवर डेमोक्रेसी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रेजिलियंट, हमारी डेमोक्रेसी जो है बहुत ही यहाँ पे क्या है, स्थिर है और यहाँ पे रेजिलियंट है, और ये सब चीज़ों से यहाँ प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे दरकिनार नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए। आवर पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड इग्नोर देम, और यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बोला है जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है जो भी है, ठीक है, सरकारों को इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, इस तरीके के जो सोशल मीडिया पे छोटमोट जो स्टेटमेंट्स हैं, या फिर जैसे अर्णब गोस्वामी जी एक नैरेटिव या कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, टॉन्ट करते हैं राहुल बाबा पे या फिर सोनिया गांधी जी पे या फिर कोई भी सरकार हो उन पे, तो ये सब को इन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। यू थिंक वॉट दे से मेक्स एनी डिफरेंस इन द इलेक्शंस, क्या ये इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं, तो वही सब इन्होंने बोला है। कोर्ट आज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इन्होंने बोला है कि भाई जब पूरी इंटेरोगेशन वगैरह सब कुछ हो चुकी है तो आप यहाँ पे अनड्यू प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे इनको जबरदस्ती कस्टोडियल इंटेरोगेशन की यहाँ पे कोई हमारी समस्या आवश्यकता नहीं है। और ये जो केस था इसमें ठीक है किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल ट्रबल्स थी और फाइनेंशियल ट्रबल्स के चलते उसने आत्महत्या कर दी,
और उसने वहां लेटर में लिख दिया कि भाई ये अर्णब गोस्वामी की वजह से मुझे फाइनेंशियल ट्रबल्स हुए। तो यहाँ पे क्लियर क्लियर कहीं अगर माना कोई आत्महत्या कर ले और वो बोले कि भैया मैं तो यहाँ सरकार की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या यहाँ पे सीएम साहब को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा? तो इन्होंने क्लियर बोला है, देखिए ऐसे ये सीरियस मैटर्स नहीं है और आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट यहाँ रिलेशन नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स तो उन्हें पहले से भी चल रहे थे और यहाँ इन्वेस्टिगेशन में क्लियर इन्होंने ये बोला था कि भाई अर्णब गोस्वामी जो है, इन्होंने बोला कि भाई इनसे अनुबंध था हमारी कंपनी का, किसका अनुबंध था, अर्णब गोस्वामी का अनुबंध नहीं था, कंपनी से कंपनी का अनुबंध था और आप वहाँ पे अर्णब गोस्वामी की कंपनी जो है उन्होंने कुछ काम दिया था, उसका ये तय हुआ था, उन्होंने काम पूरा नहीं किया तो इन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया, तो आप कंपनी के मालिक को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कंपनी टू कंपनी का इशू है और उन्होंने काम नहीं किया है, तो इस तरीके की यहाँ पे कुछ प्रावधान यहाँ दिए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था ये, एनडीए विंस, आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी, ये हमने कल देख लिया था। और यहाँ पे बीजेपी कह रही है कि देखिए पत्रकार हैं, अब वो पूछते हैं कि कैसे भी करके कुछ पॉइंट मिले जिससे नीतीश कुमार को भड़काया जा सके और वो एनडीए को छोड़ के ग्रैंड अलायंस में आ जाएं। तो वहाँ पूछा जा रहा है कि भैया बीजेपी के अलग अलग लोगों से कि भाई अब तो आपकी ज़्यादा सीटें आ गई हैं और आप यहाँ पे सीएम की पोस्ट के लिए कीजिए जिससे ये भड़क जाएं और भड़कने में आके महाराष्ट्र जैसा हाल हो जाए, ठीक है, और महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे को इन्होंने अपने पाले में ले लिया था। तो यहाँ पे बीजेपी पहले से ही संभली हुई है, बोले कहीं ऐसा केस नहीं हो जाए दोबारा से, तो उन्होंने बोल दिया नहीं भैया हमारे तो सीएम साहब यही हैं नीतीश कुमार, भले ही इनकी एक सीट आए चाहे कितनी आए, हमने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो बस वही है। तो बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जो बिहार के हैं उन्होंने बोला है कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले सीएम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 68% ऑफ न्यूली इलेक्टेड MLAs इन बिहार फेस क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे जो ADR है उसमें एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उसने ये यहाँ मेंशन किया है कि अभी जो रिसेंटली जो इलेक्ट होके आए हैं कैंडिडेट्स बिहार में उनमें 68% पर क्रिमिनल केसेस हैं और वहीं पे 51% जो जीत के आए हैं उन्होंने तो सेल्फ डिक्लेयर किया है, जो डिक्लेरेशन इनका होता है चुनाव से पहले तो उसमें डिक्लेयर किया है, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ज़्यादा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन इट्स एनालिसिस ऑफ द इलेक्शन एफिडेविट ऑफ 241 ऑफ द 243 विनिंग कैंडिडेट्स, द ADR फाउंड दैट द नंबर ऑफ विनर्स विद क्रिमिनल केसेस हैड इंक्रीज फ्रॉम 142 और 58% ऑफ द टोटल टू 163 और ये बढ़ गए हैं, क्रिमिनल्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं चुन के। ADR रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट 81% ऑफ द न्यूली इलेक्टेड MLAs हैड डिक्लेयर्ड असेट्स ओवर 1 crore और इनके पास 81% के पास 1 crore से ज़्यादा की संपत्ति है, एन इंक्रीज फ्रॉम 67%, ठीक है, तो ये सब है और इसे आप देख लीजिएगा। फिर अगला जो आर्टिकल है जो काम का है हमारा वो है स्पू, तो यहाँ पे जो धरती से पहला छोड़ा गया था और ऐसे ही यहाँ पे स्पूतनिक जो है वैक्सीन रशिया ने पहली लॉन्च कर दी, तो यहाँ पे इन्होंने स्पूतनिक नाम इसीलिए दिया है कि ये पहली कोरोना की सबसे पहली कोरोना की वैक्सीन है, ठीक है, और रशिया के चलते इसको क्या है बाकी देश अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं अभी, चलिए कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो भारत की कंपनी यहाँ इनसे पार्टिसिपेट की हुई है, हमने पूरा वीडियो बनाया है इस पर, एनालिसिस बहुत अच्छे से उसमें चीज़ों को डाला है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें मैंने टर्म्स को जार्गन्स को एजेंसीज को वहाँ कवर किया है, ठीक है। और यहाँ ये कह रहे हैं, रशिया कह रहा है कि हमारी जो स्पूतनिक वी वैक्सीन है ये 92% तक इफेक्टिव है, नो एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टेड इन फेज 3 ट्रायल दैट इन्वॉल्व 36,000 वॉलंटियर्स, और यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई इसके कोई भी इल इफेक्ट यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे एक टर्म और आया है प्लेसिबो, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ प्लेसिबो, ये प्लेसिबो क्या होता है तो आप नोट कर लीजिएगा, प्लेसिबो बेसिकली क्या होता है, ये दवाई देने का या ये बहुत सारा जो काम है ना, ये जो बीमारियाँ होती हैं ये साइकोलॉजिकल होती हैं, मेंटली होती हैं, तो हम कई बार क्या है ना साइकोलॉजिकली कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियाँ आ जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, आपको शरीर में ना असलियत में दवा की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक
मेंटल क्या है, आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बीमार हैं और जैसे ही डॉक्टर के गए, डॉक्टर के जाने पर ही वो पता चला बीमारी ठीक हो गई, आप दवाई खरीद लाए, दवाई खाई नहीं है उससे पहले सही हो गई। तो ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। अब होता क्या है, इसी वजह से क्या होता है, जब बीमारी नहीं है, डॉक्टरों को भी पता है, मेडिकल इंडस्ट्री को भी पता है कि आजकल 60-70% जो बीमारियां हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, और इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे प्लेसिबो मार्केट में हैं अलग अलग दवाइयों के नाम से। ठीक है, ये डॉक्टर को पता होता है ये प्लेसिबो है, और पब्लिक को नहीं बताते हैं कि ये प्लेसिबो है। प्लेसिबो क्या होता है, ये कोई एक सॉल्ट होता है बेसिकली, जिसमें कोई एक्टिव एजेंट नहीं होता। एक्टिव एजेंट मतलब कोई एक फॉर्मुलेशन जो किसी विशेष बीमारी को सही करता है। तो प्लेसिबो मतलब एक बस सादा ये मीठी या चूरन की गोली समझ लीजिए, जिसमें कोई भी दवाई नहीं है, लेकिन उसको एक बढ़िया से जैसे दवाई होती है ऑर्डिनरी, ऐसे ही पैक किया जाता है, उसका कोई नाम दे दिया जाता है, डॉक्टर जो है उसको प्रेस्क्राइब कर देता है, और उसको खा के पेशेंट को लगता है भाई डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी, अब तो मैं सही हो जाऊंगा, और पेशेंट उससे सही हो जाता है, और डॉक्टर को भी पता है इसको बीमारी नहीं है, तो ये इसको खा के मेंटली से शांति मिल जाएगी और सही हो जाएगा। तो प्लेसिबो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको ये यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ये ट्रायल्स होते हैं ना दवाइयों के, तब ह्यूमन ट्रायल्स, तो अब आदमी को तो पता है ना कि भाई मुझे ये दी जा रही है, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जो लोग होते हैं जिन पे ट्रायल होता है उनमें से कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, और किसी को प्लेसिबो दे दिया जाता है उस दवाई के नाम पर, किसी को एक्टिव सॉल्ट दिया जाता है, और फिर उसके रिजल्ट्स देके जाते हैं कि भाई एक्टिव सॉल्ट जहाँ पे, सबको तो यही बताया जाता है कि भाई हम तो आपको समान दवाई दे रहे हैं, उनको ये नहीं बताया जाता कि आपको प्लेसिबो दिया है, आपको दवाई दी है। ठीक है, और फिर वहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट निकल के आते हैं कि भाई यहाँ पे प्लेसिबो देने पर यहाँ पे रेंडमली क्या रिजल्ट आते हैं, और एक्टिव एजेंट देने पर इनके क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो आपको प्लेसिबो समझ में आ गया होगा, प्लेसिबो ग्रुप, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। द एफिकेसी परसेंटेज मीन्स दैट व्हेन केसेस वर स्प्लिट अमंग द प्लेसिबो ग्रुप एंड वैक्सीनेटेड ग्रुप, कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो केसेस हैं, हमने वॉलंटियर्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया, प्लेसिबो ग्रुप्स और वैक्सीनेटेड ग्रुप। ठीक है, और रिजल्ट हमारा बढ़िया आया है, और वैक्सीनेटेड ग्रुप्स में 92% इसका सक्सेस रेट आया है। ठीक है, और मेघालय गवर्नमेंट एनकरेजिंग इलीगल माइनिंग, तो ये इलीगल माइनिंग देखिए आपसे बहुत पेपर में आता है, आपसे अक्सर जब आप मेंस का पेपर देंगे तो आपसे माना एक लेटर वेटर लिखवाने को आएगा, इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है, जो हिंदी का है। ठीक है, तो वहाँ पे आपसे इस तरीके के लेटर लिखवा लिए जाते हैं, मतलब वहाँ आता है क्वेश्चन कि भाई आप अपने ज़िले के DM को एक लेटर लिखिए कि भाई आपके एरिया में इलीगल माइनिंग चल रही है। तो ये आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इश्यूज समझ में आएंगे, और ये ऐसे में आपके काम आ सकते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं, इंटरव्यू में काम आ सकते हैं, तो ये सबको आप पढ़ लिया करिए। ठीक है, मैं यहाँ डाल दूंगा गुज्जर्स साइन कोटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये राजस्थान से रिलेटेड है खासकर, और गुर्जर से रिलेटेड। तो गुर्जर कम्युनिटी बेसिकली क्या है, ये OBC में आते हैं राजस्थान में, और यहाँ पे केंद्र में इनको जो है यहाँ कोटा नहीं है, राज्य सरकार में तो इनको कोटा मिला हुआ है। ठीक है, और इसी के चलते इनको OBC के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, गुर्जर्स को तो फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 नवंबर से यहाँ पे ये धरने प्रदर्शन पर हैं, और दिल्ली मुंबई जो रेलवे ट्रैक है उसको बाधित किए हुए हैं, और यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनको भी बाधित किए हुए हैं, और यहाँ पे इनके राउंड्स चल रहे हैं सरकार से, और फाइनलाइज हो गया है इनका कल जो है राजस्थान सरकार के कुछ मंत्रियों से, यहाँ पे इनकी लिखित में इनके एग्रीमेंट हुए हैं, और जो CM साहब हैं अशोक गहलोत जी, उनसे भी इनके जो नेता हैं गुर्जर सुप्रीमो किरोड़ी सिंह बैंसला, नाम याद रखिएगा किरोड़ी सिंह बैंसला, तो इनकी अशोक गहलोत जी से भी उनके आवास पर बैठक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम काम की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है राजस्थान सरकार और इनके बीच में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए, और वो क्या है, साइंड एन एग्रीमेंट विद द राजस्थान गवर्नमेंट कवरिंग द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बैकलॉग पोस्ट। बैकलॉग पोस्ट मतलब जो भी रिजर्व कोटा की जो सीटें हैं, जो बैकलॉग रह गई हैं, तो वो सब,
ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स, वर्तमान में जो रिक्रूटमेंट चल रहे हैं तो उसमें जो मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, तो उसमें इनको बोला जा रहा है कि भाई 5% का गुर्जर्स को यहाँ पे क्या है रिजर्वेशन दो, और इनको पिछली जो बैकलॉग है उसमें भी शामिल करो, और ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स वर्तमान में जो चल रहे हैं एक्टिव रिक्रूटमेंट्स उनमें भी शामिल करो, और दूसरा विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केसेस। यहाँ ये इस तरीके के गुर्जर जो यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं अपने इन राइट्स के लिए, तो पीछे जो पास्ट में इन्होंने प्रदर्शन किए हैं उसके लिए क्या है इन पे क्रिमिनल केसेस हो गए हैं, उनको आप वापस लीजिए। और जो यहाँ शहीद हो गए इसी ये आंदोलनों में, ऐसे गुर्जर जिनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिवार वालों को यहाँ पे आप कुछ बेनिफिट्स दीजिए, रिहेबिलिटेट कीजिए, उनके घर के सदस्यों को नौकरी दीजिए, वही सब यहाँ पे मैटर यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई रेगुलर पे स्केल विल बी गिवन टू 1252 एमबीसी कैंडिडेट्स ऑन कम्प्लीशन ऑफ देयर प्रोबेशन पीरियड, और यहाँ कह रहे हैं कि कुछ जो अंडर प्रोबेशन है एमबीसी के कैंडिडेट्स, तो उनको आप प्रोबेशन ख़त्म होने पे रेगुलर पे स्केल पे लेके आइए। तो यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कौन कौन और थे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, दूसरा इनकी तरफ से नेता थे गुर्जर किरोड़ी सिंह बैंसला, और यहाँ से बीडी कल्ला जो हैं एनर्जी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट टीकाराम जुल्ली और सुभाष गर्ग जो हैं इन्होंने यहाँ पे इनसे एग्रीमेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे शॉक्ड बाई दवेज लेटर अर्नब्स वाइफ, तो यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, तो इन्होंने देखिए समय व्रत रे गोस्वामी वाइफ ऑफ रिपब्लिक टीवी एडिटर चीफ अर्णव गोस्वामी हैज एक्यूज द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे ऑफ द सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ हर हस्बैंड्स अपील फॉर बेल इन टॉप कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे इन पे भी इन्होंने कुछ आरोप लगाया कि भैया आप जो है किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते जो है यहाँ पे आप सेलेक्टिव तौर पर केसेस को देख रहे हैं। होम मिनिस्ट्री अमेंड्स एफसीआरए रूल्स, तो दोस्तों ये थोड़ा सा काम का है एफसीआरए, ठीक है, और एफसीआरए पे हमारे जो रूल्स हैं सरकार बार बार यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो यहाँ पे देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए 2010 में आया था, और यहाँ पे मतलब नए रूल्स आए थे, और इसे पढ़ देते हैं। ये किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, और एफसीआरए बेसिकली क्या है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, और जो विदेशों से भारत में जो कंट्रीब्यूशन आते हैं, अब वो कंट्रीब्यूशन डोनेशंस के रूप में आते हैं, डेवलपमेंट के रूप में आते हैं, कैसे भी आते हैं, तो वो जो है इसके तहत आते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो विदेशों से जो भी किसी भी मद में जो ग्रांट आ रही हैं लोन के रूप में आ रहे हैं, या ट्रस्ट एनजीओज को यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सबको यहाँ कंट्रोल करने के लिए। और पीछे जो है मोदी सरकार, बेसिकली होता क्या है, ये एफसीआरए रूल्स इसलिए लाए गए हैं कि बाहर से जो फॉरेन फंडिंग आ रही है वो यहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में खर्च ना हो, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ में खर्च ना हो, और किसी गलत प्रकार की गतिविधियों में खर्च ना हो। और पीछे भी पूर्व में देखा, ये वजह क्या है इनकी, पीछे आपने देखा होगा कि फोर्ड फाउंडेशन एक लीडिंग एनजीओ है, और विश्व की जो जो फोर्ड कंपनी है तो वहाँ से ये फंडेड है, और ये क्या करती है यहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे क्या करती है, यहाँ प्रायोजित करती है। जैसे माना कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, और अब होता क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये हल्का सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। सपोज कीजिए भारत सरकार का, मान लीजिए अमेरिका, भारत सरकार जो है ना यहाँ पावर प्लांट लगाना चाह रही है, अब सपोज कीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाह रही है, हाइडल प्लांट या कोई भी प्लांट लगाना चाह रही है, सपोज कीजिए हमने ले लिया एक थर्मल पावर प्लांट लगाना चाह रही है, अब थर्मल पावर प्लांट के लिए उन्होंने ग्लोबल वेंडर्स यहाँ पे उन्होंने एक सूचना निकाली भैया हमें चाहिए, तो मान लेते हैं फ्रांस की कंपनियों ने अप्लाई किया, रूस की ने किया, अमेरिका की ने किया, अब उनकी कंपनियों ने अपने प्रपोजल दिए, और भारत सरकार ने मान लेते हैं हम अमेरिका की कंपनियों को के साथ अनुबंध कर लिया कि भैया आप इस लोकेशन पे इतने रुपए में और ये आप यहाँ पे प्लांट लगा लीजिए, अब क्या होगा, फ्रांस और रूस वाले क्या करेंगे, अच्छा हमसे आपने नहीं किया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इनके, देखिए हमको नहीं मिला तो हम किसी को नहीं मिलने देंगे, तो वो क्या करेंगे ना, वहाँ पे एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे एक
खुद तो सामने नहीं आएंगे, वो ये जो एनजीओज होती हैं उनके माध्यम से क्या है, हर किसी के यहाँ पे एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो वहाँ से फंडिंग आएगी पर्टिकुलर पर्पज कॉज के लिए, और वो क्या करेंगे यहाँ के लोकल में जो लोकलाइट्स हैं, लोकल के नेता हैं जिनकी रोजी रोटी ही इसी चीज़ पर चलती है, क्या जिनकी रोजी रोटी ही इसी पर्टिकुलर चीज़ पर चलती है, तो ये विदेशों से ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज, अब वो क्या करेंगे वहाँ से पैसे आएंगे और वो उन साइड्स पे एनवायरमेंटल क्लॉज को लेके, डेवलपमेंटल क्लॉज को लेके कि भैया हमारे तो यहाँ पे देखिए ग्रामीणों के घर लुट गए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा वैसा, और वो धरने प्रदर्शन करेंगे जैसे ममता बनर्जी ने किया था ना वहाँ पे सिंगूर में, और बाद में उसी के चलते वहाँ पे बंगाल में सरकार बना ली थी। तो इसी तरीके के यहाँ पे लोग जो होते हैं ये यहाँ पे एक्टिविज्म करते हैं और कैसे भी करके हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रोक लगाएंगे और एनजीटी के सामने जाएंगे, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। सीधा फंडा आपको समझ में आ गया होगा, अब कहानी एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी। अब सरकार को तो भैया एक, अब देखिए इससे क्या होगा, एक तो सरकार नेगेटिव, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो मीडिया भी इनके साथ में होता है, सब एक नेक्सस है इनका, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, अब यहाँ पे जो सरकारें हैं उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार होगा सब जगह, विदेशों में, मीडिया में, जो इन्हीं के जो साइड का मीडिया है वो दुष्प्रचार करेगा, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कौन कौन से मीडिया चैनल्स हैं, तो वो सारा सब उस प्रकार से। अब क्या होगा, इससे सरकार की एक छवि खराब होगी, हमारे देश की छवि खराब होगी, और अल्टीमेटली देखिए वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो आएगा तो इंडस्ट्रियल, अब सपोज कीजिए पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी तो इंडस्ट्री को बिजली मिलेगी, घरों में रोशनी आएगी, ठीक है, लोगों के डेवलपमेंट होगा, तो वो सब नहीं होना चाहिए। इस डेवलपमेंट हो जाएगा तो इश्यूज नहीं रहेंगे, इश्यूज नहीं होंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो अलग अलग यहाँ पे सरकारें आती हैं, उनके अलग अलग एजेंडे होते हैं, कुछ तो इनको प्रमोट करती हैं, कुछ जो है इनको डिमोट करती हैं, ठीक है। तो वर्तमान सरकार जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को बड़े सख्ती से यहाँ रोक रही है और इनको एक एक करके बड़ी बारीकी से यहाँ ऑब्जर्व किए हुए है, कहाँ से कौन पैसा आया है और किस मद में ये खर्च हो रहा है, किसके पास जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समय समय पर ये इन रूल्स को चेंज कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अब इश्यू आपको समझ में आ गया होगा। ऑन वेडनेसडे देयर बाय अमेंडिंग द एफसीआरए रूल्स 2011 द न्यू रूल सेड द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 5 एंड 6 ऑफ द सब रूल 1 शैल बी कंसीडर्ड टू बी द पॉलिटिकल नेचर। और यहां पे बोला है कि नॉर्म्स रिलैक्स फॉर दोज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव पॉलिटिक्स। तो यहां पे जो नॉन पॉलिटिकल काइंड ऑफ यहां पे जो पैसा आ रहा है या फिर जो असली एनजीओज के लिए डेवलपमेंट, अब माना कोई गौशाला बनानी है, सपोज ये कोई सही में एक स्कूल ही खोलना है, ठीक है। अब देखिए स्कूल की भी कैटेगरी क्या हो सकती है, माना वो क्या है, आप एक मजहबी टाइप का या फिर माना कोई एक विशेष मजहब से मतलब यहाँ पे के किसी एक विशेष धर्म के लिए आप यहाँ पे एक ये स्कूल खोल रहे हैं और वहाँ बाहर से फंडिंग आ रही है और उसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे उनको आप वहाँ पे कोई देखने तो आ नहीं रहा बाहर से, अब उनको आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक विशेष प्रकार की उनके एक नैरेटिव दिमाग में सेट कर रहे हैं कि देखिए आपके देश में ऐसा है, यहाँ सरकार कुछ नहीं करती है, ये हुआ है, वो हुआ है, नेगेटिव भूसा उनके दिमाग में भर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, पॉलिटिकल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक यहाँ पे जो क्लीन टाइप के एनजीओज हैं उनकी फंडिंग जो है उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इफ दे पार्टिसिपेट इन एक्टिव पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स एज द केस मे बी, और अगर वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड है जो सरकार की पॉलिसीज को प्रभावित करने के लिए है तो उसको हम जो है यहाँ पे अभी भी टाइटली लेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं इसको डाल दूंगा और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और अब आपका ये सप्लीमेंट आ जाता है, फिर इसके बाद में हमारे अमेरिका इज़ गोइंग टू बैक सेज बाइडेन। अब देखिए बाइडेन साहब को यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये पिछड़ जाएगा ऐसे, और ये एक तरीके से गृह युद्ध टाइप की स्थिति आगे डेवलप होने की संभावना है। श्रीलंका येट टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन कंटेनर टर्मिनल, और यहाँ ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑल दो द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ येट टू डिक्लेयर इट्स फाइनल अपोजिशन ऑन डेवलपिंग स्ट्रेटजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट जॉइंटली विद इंडिया एंड जापान एग्रीड इन मे बाई द प्रीवियस गवर्नमेंट पोर्ट वर्कर्स यूनियन विच आर रेसिस्टिंग द प्रोजेक्ट
थिंक श्रीलंका माइट कंसीड। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी पीछे आर्टिकल बताया था, अब देखिए यहाँ पे चाइना ने जो बीच में सरकार आई थी श्रीलंका में, वो प्रो चाइना टाइप की आ गई थी, उन्होंने चाइना चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ कंसेशंस दे दिए थे और वहाँ पोर्ट वोर्ट बनाने के लिए। और अब ऐसे में क्या है, अब देखिए अब यहाँ पे नई जो सरकार आई है वो थोड़ी सी भारत के समर्थन वाली आ गई है, तो ऐसे में क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक पैक्ट हुआ था कि यहाँ पे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है कहाँ पे बनेगा, ये कोलंबो पोर्ट, और इसको कौन कौन बनाएगा, यहाँ भारत और जापान। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ अब दूसरे देश जो है चाइना वाइना क्या करेगी यहाँ पे, देखिए पोर्ट वर्कर यूनियंस, तो ये पोर्ट वर्कर यूनियंस इनके नेताओं को खरीद लिया होगा, इनको पैसे दिए होंगे, बोले कि आप विरोध प्रदर्शन करो कि भैया ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो वही सब जगह, हमारे यहीं नहीं सब जगह चलता है ये सब, ठीक है। और कोलंबो सीम्स टू बी अंडर ग्रेट प्रेशर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट, और यहाँ पे सरकार फिलहाल रुकी हुई है और श्रीलंका येट टू टेक, और श्रीलंका की जो सरकार है अभी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम क्या करें क्या ना करें, इसको प्रोजेक्ट को बनने दें या क्या करें, ठीक है। तो आप इसको इशू को देख लेना, बहुत ज़्यादा अपना नहीं है, और करेंट अफेयर में आपको बस इतना पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ये कोलंबो में है, श्रीलंका में है, कौन डेवलप कर रहा है, इंडिया जापान कर रहा है, एग्रीमेंट कब हुआ था, 2019 में हुआ था, ठीक है। ये सब आपके काम की चीज़ें हैं, बाकी ये सब उठापटक ये चलती रहती है, आपको ज़्यादा अंदर इसमें नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपाक्सा एज्यूम्ड ऑफिस इन नवंबर 2019, द रेसिस्टेंस टू द प्रोजेक्ट ग्रू लाउडर इंक्लूडिंग फ्रॉम द सम अपोजिशन पार्टीज एंड पोर्ट वर्कर्स अपोज टू फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन नेशनल असेट्स, ठीक है। और सब वही चलता रहता है। और बहरीन पीएम, ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है न्यूज़, और अक्सर ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो है इनकी जो मृत्यु हो गई है, बहरीन के ये क्या थे, ये प्रिंस थे, ठीक है। और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहरीन के क्या थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हु हैड हेल्ड द पोस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, और जब से ये बहरीन जो है आज़ाद हुआ है 1971 में, तब से ये वहाँ के लगातार ये प्रधानमंत्री रहे हैं, डाइड ऑन वेडनसडे एट द एज ऑफ 84। प्रिंस खलीफा वॉज अ कंट्रोवर्शियल फिगर ड्यूरिंग हिज 5 decades इन ऑफिस एंड डीपली अनपॉपुलर विद द सुन्नी रूल्ड किंगडम्स शिया पॉपुलेशन, और देखिए यहाँ पे ये सुन्नी मूल के हैं, और जो इनका ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे यहाँ पे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इनमें आपस में झगड़ा रहता है, ऐसे ही किसी भी एक धर्म के अंदर भी डिफरेंट सेक्ट्स होती हैं, उनमें भी आपस में झगड़ा रहता है। जैसे हम मुस्लिम धर्म में बात करें, शिया सुन्नी क्रिश्चियंस में कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट और विभिन्न सेक्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शिया सुन्नी का झगड़ा। अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो बहरीन है, ठीक है, तो बहरीन यहाँ पे शिया मूल के यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, और वहीं जो यहाँ शासक हैं ये सुन्नी हैं, ठीक है, ठीके? तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कश्मीर में हमारे आज़ादी के टाइम पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी लेकिन राजा हिंदू थे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी वजह से यहाँ कंट्रोवर्शियल है। और व्हेन शिया लेड प्रोटेस्टर्स ऑक्यूपाइड मनामाज पर्ल स्क्वायर फॉर द मंथ इन 2011 बिफोर बीइंग, ये देखिए यहाँ पे ये 2011 का यहाँ पे ये परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं, तो 2011 में क्या हुआ था, आपके एक पिंक रिवॉल्यूशन हुई थी, क्या हुई थी, पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक क्रांति हुई थी, ठीक है। और उसमें ये गल्फ जो कंट्रीज हैं वहाँ, ये बेसिकली अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी, और आप सर्च कर लीजिएगा इसको, मैं सर्च करके आपके लिए डाल दूंगा इस पर, और ठीक है, और ये आर्टिकल जो हैं लिंक्स में डाल दूंगा। और इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे खासकर जो है मुअम्मर गद्दाफी जो हैं, तो उनकी सरकार चली गई थी, उनको बाद में पकड़ के उनको क्या, उनको जो फांसी के आदेश मिले थे इस तरीके के, तो बहुत सारी सरकारें बदल गई थी, लेकिन ये अपने यहाँ पे इन्होंने पब्लिक के फेवर में कुछ यहाँ रिलैक्सेशन दे दिए, अपनी सरकार बचाने में ये बच गए, ठीक है। तो वही है, बिफोर बीइंग ड्रिवन आउट बाय द सऊदी बैग्ड सिक्योरिटी फोर्सेस देयर मेन डिमांड वाज फॉर द प्रिंस टू स्टेप डाउन, और यहाँ पे यही सब है, और आप इसे देख लीजिएगा। और म्यांमार अपोजिशन रिजेक्ट्स अनफेयर इलेक्शन, और देखिए यहाँ पे आंग सांग सूकी की जो पार्टी है वो यहाँ पे जीत गई है,
और ठीक है, तो वही जो हर जगह होता है, अपोजिशन पार्टी फिर हारने के बाद क्या कहती है, भाई यहाँ पे जीतने वालों ने यहाँ गलत किया है, और वही सब यहाँ पे हो रहा है। यूके लॉन्चेस बिल टू डिटर मेलिशियस टेक ओवर्स, और ये सब यहाँ पे कोई काम का नहीं है। हांगकॉन्ग डिस्क्वालीफाइज 4 प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर्स। और देखिए यहाँ पे हांगकॉन्ग में वर्तमान सरकार जो है वो चाइना के द्वारा बनाई गई है, तो वो क्या करेंगे, जो भी प्रो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र लाने की बात करेंगे, उनको पदों पे से हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए जीडीपी श्रैंक्स 8.6% इन क्वार्टर 2, पुशिंग इकोनॉमी इनटू रिसेशन। और जो क्वार्टर 2 है इस वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें जीडीपी जो है हमारी इतने सिकुड़ गई है, और जो है अब ये रिसेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों रिसेशन क्या होता है? रिसेशन ये होता है जब आपके कोई भी इकोनॉमी है वो लगातार 2 या 2 से अधिक क्वार्टर्स में क्या है, सिकुड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये रिसेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, 2 से अधिक जब क्वार्टर्स में मतलब श्रिंक करती है हमारी जीडीपी, सिकुड़ती है, तो उसको रिसेशन की अवस्था बोलते हैं। बाकी ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी सेकेंड क्वार्टर में कितना सिकुड़ी है। और फिर हम बात करेंगे इंडाइसेस स्केल फ्रेश पीक्स ऑन फॉरेन इन्फ्लोज। और यहाँ पे इंडाइसेस, यहाँ बीएसई की बात हो रही है कि वर्तमान में जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, तो उसके चलते यहाँ पे फॉरेन फ्लो आ रहा है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी पैसा पंप इन कर रहे हैं, और इसकी वजह से सेंसेक्स हमारा ऊपर जा रहा है। और कल भी मैंने इसका बताया था कि ये जो लोग कल के वीडियो में नहीं थे, आज के वीडियो में हम डेली डेली सेम चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप कल का वीडियो हमारा देख लीजिएगा। सोशल इंफ्रा पीपीपी एलिजिबल फॉर वायलेटिंग सॉरी वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रही हैं जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, सोशल इंफ्रा पीपीपी जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे पीपीपी प्रोजेक्ट्स बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, एलिजिबल फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग। और इनको जहाँ पे ज़रूरत हो पैसे की, तो वहाँ ये बैंकों से लोन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, नाउ अंडर 2 न्यू स्कीम्स, प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन एरियाज लाइक वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, कुड गेट 30% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द सेंटर। सी सेड एडिंग दैट स्टेट्स कुड चिप इन विद अनदर 30, और यहाँ 30% सेंटर से ले सकते हैं, 30% स्टेट्स दे सकती हैं, और सोशल कॉज के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ पीपीपीज। दोस्तों यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा, CCEA बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये हमारे जितने भी इस तरीके के प्रावधान हैं, स्कीम्स हैं, इनके लिए ये परमिशन देती है। ठीक है, अमेजॉन एक्यूजेस फ्यूचर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये बेसिकली अमेजॉन और रिलायंस का आपको इशू पता ही होगा, हल्का सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी अभी इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए, तब हम इसे विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। बेसिकली क्या था कि जो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप है, किशोर बियानी जी द्वारा जो इसके क्या थे, सीईओ थे, सीएमडी थे, ठीक है, जिसका आपने बिग बाजार, आपने नाम सुना होगा बिग बाजार, तो इनका सबसे बड़ा ब्रांड था। तो इसमें इन्होंने एक छोटी सी कंपनी के कुछ शेयर्स जो है अमेजोन को बेचे थे, और जब ये खरीद फरोख्त होती है तो उसमें उन्होंने एक राइट टू फर्स्ट बाई का इनका क्या था, एक एग्रीमेंट था। जनरली सभी केसेस में जहाँ भी शेयर्स वगैरह बेचे जाते हैं, आजकल ये कॉमन हो गया है कि जो पहले से एक शेयर होल्डर है, तो उसको यहाँ पे पहले प्रायोरिटी दी जाती है शेयर्स परचेज करने के लिए। ठीक है, अब वो बहुत छोटी सी एक कंपनी थी, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट था। अब हुआ क्या, उसके बाद लॉकडाउन के चलते इनका फाइनेंशियल बजट बिगड़ गया और फाइनेंशियल सर्कुलेशन बिगड़ गया, उसकी वजह से ये घाटे में चले गए, और इन्होंने इसको डूबने से बचाने के लिए इसको बेच दिया, फ्यूचर ग्रुप को पूरे को ही बेच दिया। और रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अम्बानी द्वारा जो लेड है, तो उन्होंने इसको खरीद लिया। ठीक है, और खरीद लिया और ऑल कैश डील, तो जिसमें जो है यहाँ पे $3.4 बिलियन में इन्होंने इसे पूरे को खरीद लिया। अब यहाँ पे
अब देखिए, इन्होंने रिलायंस रिटेल के माध्यम से खरीदा। रिलायंस रिटेल क्या है? यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। और अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक मौका भी दिया किसको? अमेजोन को। मुकेश अंबानी जी ने बोले कि कोई बात नहीं, हम जो है ना आपको 51% का यहाँ पे यहाँ पार्टनर 50% का हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो, और इससे आप मजबूत होंगे, ठीक है। और ये पूरे रिलायंस रिटेल में दे रहे थे, केवल फ्यूचर में नहीं, पूरे रिलायंस रिटेल में। वो उन्होंने जो ऑफर है उस पर उन्होंने कोई अभिव्यक्ति नहीं दी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा हम तो पूरे इसी को ही खरीद लेंगे फ्यूचर को। तो उन्होंने सिंगापुर में एक क्या है, एक कोर्ट है, और वहाँ पे इन्होंने एक रिट लगा दी कि भैया ये गलत हुआ है। और वो जो है, वो जो कोर्ट है वो क्या है, वो कोई उसकी सरकारी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिंगापुर आर्बिट्रेटर, ये कोई इसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचरी बैकिंग नहीं है, ठीक है। बस ये क्या है, एक ऐसे ही प्राइवेट क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। अब इन्होंने आदेश दे दिया कि भैया बिना रिलायंस की सुने, अमेजोन की प्ली पे ही, कि भाई ठीक है ये गलत हुआ है और इसको रोक दिया जाए। अब इस पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ठीक है। सेवी वेवी में भी इन्होंने अप्लाई कर दिया कि भैया इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये ज़्यादा कुछ आपके काम का नहीं है फिलहाल, और जब इसमें कुछ बड़ा आएगा तब हम इसको कंक्लूड करेंगे। जीएमआर इंफ्रा रिशेड्यूल्स कैपेक्स प्लान और ये सब आपके कोई काम का नहीं है। वर्चुअल ऑफिस मे बी अ रियलिटी बाई 2030, एरिक्सन सर्वे फाइंड, तो 2030 तक तो 5G आ जाएगा। और बाकी देखिए, ये सब जो है ये कोई आपके विशेष काम का नहीं है। और चैम्पियन टाइगर वुड्स प्रेप फॉर 6th ग्रीन जैकेट, और यहाँ पे टाइगर वुड्स जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं बताइए। तो ये आपके जो ठीक है, और फिर ये सुडोकू, और ये आप देख लीजिएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों, गले की पोजीशन अभी भी सुधर नहीं रही है, तो इसके चलते मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ ज़्यादा। कोशिश यही रहती है कि डाल दूँ, और क्योंकि क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं, तो आप इस चीज़ को समझेंगे। और शायद दीपावली पे माना ये छुट्टियाँ रहेंगी, तो इसमें गला थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलर आपको एडिटोरियल्स के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, और अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ भी हम रेगुलर डाल देंगे। तो थोड़ा सा अपनी सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जो लोग अभी भी देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। और हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, 2 सब्सक्राइबर्स और बढ़ाने हैं बस, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और ये अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक कि यहाँ पे मित्तल सर बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। छोटा चैनल है, लेकिन इसी वजह से रीच उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल धीरे धीरे ग्रो करेगा। और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।